पटाएं 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है, जिसे देखते हुए दिल्ली में तमाम पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया जा चुका है। बात करें बीते 24 घंटे में दिल्ली में आए कोरोना के मामलों की, तो दिल्ली में 5 फरवरी यानी शनिवार को कोरोना के कुल 1604 नए मामले सामने आए, तो वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटों में 55,824 लोगों के टेस्ट किए गए। इसके अलावा बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 17 लोगों की मौत भी हुई। बात की जाए पॉजिटिविटी दर की, तो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अब 2.87% हो चुका है। इसके अलावा होम आइसोलेशन मरीजों की संख्या की बात की जाए, तो दिल्ली में इस वक्त 7,267 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोरोना है और वो घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में 9,979 एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा बात की जाए अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या की, तो इस वक्त दिल्ली में 976 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोरोना है और वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में दिल्ली में 3,324 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो वहीं बात की जाए दिल्ली से सटे नोएडा की, तो बीते 24 घंटे में नोएडा में कोरोना के 232 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। बात की जाए एक्टिव मामलों की, तो नोएडा में अब 1,845 एक्टिव मामले रह गए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में नोएडा में 400 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में बीते 24 घंटों में 167 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में गाज़ियाबाद में एक भी मौत नहीं हुई। एक्टिव मामलों की बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में इस वक्त 1076 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, तो वहीं बीते 24 घंटों में 317 मरीज गाज़ियाबाद में कोरोना के ठीक हुए हैं। तो वहीं गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में 682 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 4,253 लोगों के टेस्ट किए गए, एक मौत भी हुई है गुरुग्राम में कोरोना मरीज की। इसके अलावा 4,357 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोरोना है और वो घर पे ही अपना इलाज करा रहे हैं, इसका मतलब होम आइसोलेशन में है। बात की जाए गुरुग्राम में एक्टिव मामलों की, तो गुरुग्राम में 4,444 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा 83 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोरोना है और वो अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में गुरुग्राम में 940 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में बीते 24 घंटों में 253 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 2,506 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। राहत की बात फरीदाबाद से भी है कि बीते 24 घंटों में फरीदाबाद से कोरोना के मरीजों की एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। बात की जाए होम आइसोलेशन के आंकड़ों की, तो 1,937 कोरोना के मरीज ऐसे हैं जो घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा 1,996 कोरोना के एक्टिव मामले अब फरीदाबाद में रह गए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 233 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक भी हुए हैं फरीदाबाद में। तो कुल मिलाकर दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अब कोरोना की लहर कमजोर पड़ने लगी है। ओवरऑल दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कोरोना के आंकड़े अब पहले से काफ़ी ज़्यादा राहत दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमेशा मास्क पहन कर रखें, हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें और कोरोना के सभी नियमों का भी पालन ज़रूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।